नमस्कार, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में, और मैं हूँ आप सभी के बीच दिव्या। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुँचने पर भगवान शुकदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा श्री शुकदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के श्रीमुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है, इसलिए हे सूत जी, आप हम सब लोगों से वे सब कहिए। फिर ऋषि बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और सुधा से भी अधिकतर हितकर है ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चारों में क्षत्रिय चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो कुछ मैंने सुना वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों और देवताओं से भी युक्त हैं, और खेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केच, जामुन, कदम आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं। ऐसे नर और नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया, और परम ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिनका, ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीते हुए जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है, वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं, स्त्री पुरुष ग्रह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपका मुझसे कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु है ऐसा वेदों में निश्चित है, इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, राज के ईश्वर रसिकों के आवरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, आप सुनो, जो निमित्र मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं उनके कर्मों को हे वत्स, इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सत पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका उपयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले,
श्री नारायण कहते हैं पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा निधि के पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे इस मास का स्वरूप विधान के सहित कहिए। हे प्रभु सतपते, इस माह में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जब पूजा उपवास आदि क्या साधन है कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोधन, कृपया आप सब मुझसे कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपा करके सदु उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित नित्य रोगी रहने वाले पुत्रों को चाहने वाले जड़ गूंगे ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले विद्याविहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले नास्तिक पर स्त्रीगामी नीच जर्जर दासव्रति करने वाले आशा जिनकी नष्ट हो गई है संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं कुरूपी रोगी कुष्ठी टेढ़े मेढ़े अंगों वाले अंधे इष्ट वियोग मित्र वियोग स्त्री वियोग आत पुरुष योग माता पिता विहीन शोक दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो हे प्रभु ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर दुखी हूँ, मानव स्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी वैधव्य वंध्या दोष अंगहीनता दुष्ट व्याध्या राज्य मक्षमादि जो दोष हैं इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से बताइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समय से तत्वों के आयतन हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत होकर महामुनि नारद जी से नए मेघों के समान गंभीर वचन बोलने लगे। अतः पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि का नारा अवश्य लगाइएगा। जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि।